अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं श्याम खान और आप देख रहे हैं आई एम टी वी। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने लगे हैं उसके हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने पूरे एक साल के अंदर क्या क्या कामयाबी हासिल की, और जो कामयाबियां पाकिस्तान ने हासिल की वो पाकिस्तानियों के लिए खासकर बहुत ही खुशी का बाइस है, एक तरह से न्यू ईयर का तोहफा है। तो बात कुछ इस तरह से शुरू होती है कि पहले जंगें आमने सामने होती थी, अब आमने सामने की जंगें ख़त्म, ज़ाहरी और ताकत वॉर का ज़माना गुजर चुका है। अगर किसी के पास सैटेलाइट में बर्तरी है तो दूसरे हरीफ के पास ज़मीन पर बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर इस नौयत के हथियारों का ज़माना है। अब मैं आपको खुफिया जंगें, खुफिया हथियार, खुफिया ताकतें, खुफिया साजिशें, खुफिया स्टाइल और खुफिया हथियार जिनके नाम अभी तक सामने नहीं आए और उनसे क्या नुकसान हो रहे हैं वो आपको बताने लगा हूँ। अब मैं आपको कुछ मुस्लिम ममालिक की मिसाल देता हूँ जिन्हें बगैर जंग किए, बगैर हथियार चलाए, बगैर ताकत का इस्तेमाल किए तबाह कर दिया गया, और इन्हें तबाह किया गया फिफ्थ जनरेशन वॉर के ज़रिए। लीबिया, शाम, इराक, यमन, इन ममालिक में फिफ्थ जनरेशन वॉर, जिसे हाइब्रिड वॉर भी कहा जाता है, के ज़रिए आपस में खाना जंगी, फ़िरका वारियत, कौम परस्ती, सियासी इंतकाम, आपस की दुश्मनियाँ, मन घड़त झूठे इल्ज़ाम, अवाम और फौज, तमाम तबकात में तफरीक, नफ़रतें, मसनूई महंगाई और माशी निज़ाम को तबाह करना शामिल था। ये मिसालें आप लोगों के सामने हैं। पाकिस्तान में भी सर तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इतनी ही ताकत से तमाम साजिशें नाकाम बना दी गई। पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, इन्होंने बाकायदा फिफ्थ जनरेशन वॉर को शिकस्त दी है, बल्कि अगले मरहले की वॉर को भी शिकस्त दे रहे हैं। बल्कि यूँ कह सकते हैं कि इन खुफिया वॉर के सुल्तान बन चुके हैं, जो कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पहले दो ही जंगें और दो ही तसव्वुर होते हैं, ज़ाहरी जंग और खुफिया गोरिल्ला जंग। इनके स्टाइल और तरीक़ाकार वाज़े थे। आज इन दोनों जंगों की जगह पर न्यू स्टाइल आ चुके हैं। ज़ाहरी गोरिल्ला जंग की जगह दुश्मन इस ममालिक में अपने ही मुल्क, अवाम, अफवाज और तबकात और दीगर माशी सियासतदान, फ्रंटमैन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एंकर और सहाफ़ी, कौम परस्त, फ़िरका वारियत और दीगर दहशतगर्दी और दीगर तरीक़ों के ज़रिए आपस की खाना जंगी या दुश्मन के साथ जंग कराकर ख़त्म किया जाता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त भारत को मुकम्मल सपोर्ट दी जा रही है कि भारत और पाकिस्तान की जंग हो जाए, और दूसरा तरीका गोरिल्ला वॉर का था, जो कि दुश्मन के इलाकों में दुश्मन की अफवाज पर, दुश्मन के मफादात, मुकामात, तनसीबात पर खुफिया हथियारों के ज़रिए, खुफिया ताकत के ज़रिए हमला हावर होकर नुकसान दिया जाता है। लेकिन यहाँ भी मामला कुछ और है, हथियार और स्टाइल तब्दील हो चुके हैं। आज के ज़माने में तमाम बैलिस्टिक मिसाइल, जंगी जहाज़, बहरी जहाज़ और इनका इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है, इनकी जगह खुफिया हथियारों ने ले ली है। अमरीका की मिसाल ले लें, अफगानिस्तान में दुनिया के तमाम ताकतवर ताकतें और असलाह और जौहरी हथियारों को लेकर आया, लेकिन वो तमाम तबाह बर्बाद नाकाम हो गए, और नाकाम खुफिया जंगों के ज़रिए हुए। पाकिस्तान मुस्तकिल अपने दिफा और अपनी हिफाजत की जंगें लड़ते लड़ते आज इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि पाकिस्तान को ज़ाहरी हथियारों से ख़त्म नहीं किया जा सकता, और ना ही किसी की हिम्मत है कि पाकिस्तान पर बराह रास हमला करके पाकिस्तान से जंग करें। पाकिस्तान अब एक मरहला तय कर चुका है, सी पैक का इंतज़ार हो रहा है, और पाकिस्तान खुद कफील हो चुका है। अपने दिफा के हवाले से पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका है। समंदर से लेकर पाकिस्तान के अंदरूनी हदूद खुश्की में 8 मुकामात पर तेल और गैस के नए ज़खायर बिल्कुल तैयार हैं, जिसके लिए अब बहुत बहुत वक्त करीब आ चुका है, और मुनासिब वक्त पर इनके ऊपर काम शुरू किया जा सकेगा और पाकिस्तान को खुद कफील बनाया जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान के बुरे दिन बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। यही बुरे दिन का खात्मा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए नए साल का तोहफा होगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।